ओके हेलो सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में सो दिस सेशन ऑल अबाउट देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड इज सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनकेडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सब्लेट से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं राइट फ्रॉम योर लर्निंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेज डाउट सॉल्विंग सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है सो एन अकेडमी इज बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का जरूर फायदा उठाएं और आपका जो करियर है आपका जो सेट करियर है उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली uh, जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल है आप चाहे जेई करो आप शायद यू करो आप शायद एम करो आप नीट करो कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनकेडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है सो so आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए अकेडमिक रिलेटेड आप अनकेडमी का फायदा जरूर उठाएं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है आपका जो करियर है वो सेट हो सके ठीक है चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ़ द डे एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो ओके सो मेरा नाम अजिंक्य सोड़ुंग है माय नेम इज अजिंक्य सोड़ुके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं ठीक है लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट जस्ट रिमेम्बर माई नेम दैट इज माई नेम इज अजिंक्य एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक ठीक है चलिए uh, uh, so सेशन है इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट अः ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है द रीजन कि इसके अंदर का जो ये है क्या बोल सकते हैं जो मेन uh, टॉपिक uh, है अबाउट दिस सो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड काफी कॉम्प्लिकेटेड है और एक्चुअली हालांकि इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट वॉट हैपन्स कि बच्चे इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता है द रीजन बींग कि uh, एक तो इलेक्ट्रोलिस रिएक्शन है ऊपर से डायग्राम है उसके ऊपर उसको केमिकल रिएक्शन भी है so because of that what happens is ki ye reaction samajhna thoda sa hard jata hai bachcho ko halanki it's very simple but uh, for some reason it creates difficulty in students mind and exam ka kafi common question hai ye alkali process so let us try to understand what it is and iske fayde kya hai to ye section kisme se hai common salt me se obviously to hum log kya bolke dekh rahe title dekho title pe se tumko ek idea aa jayega hum log kya dekhne wale so it's common salt a raw material for केमिकल्स मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे एज अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स केमिकल्स को बनाने के लिए मतलब कॉमन सॉल्ट से हम लोग क्या करेंगे दूसरे केमिकल्स बनाएंगे सो व्हाट वी आर यूजिंग कॉमन सॉल्ट इज आज कॉमन सॉल्ट को हम लोग कई के लिए यूज करेंगे टू क्रिएट अदर केमिकल्स दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए तो लेटस सी कौन से कौन से केमिकल्स बनते हैं इसमें से तो पहला पार्ट देख लो

Water form. मतलब excessive water चाहिए NACLB चाहिए भी तो aqueous form बन गया आपका। के अंदर होगा। so that will be divided into H and OH. और इसको आपको क्या करना है एनर्जी देनी है एंड इलेक्ट्रिसिटी इसमें से हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना पड़ता है तो ये पानी किसमें डिवाइड हो जाएगा एच और OH में और आपका एनए सीएल किसमें डिवाइड हो जाएगा बिटवीन एन एंड में सो हैव गॉट डिवाइडेड अब यहां पर एनए किसके साथ कंबाइन होता है ओ OH एच के साथ तो क्या बनाते हैं एन ए आपका सबसे पहला कंपाउंड दूसरा यहां पर क्लोरीन और हाइड्रोजन की जोड़ी बनती नहीं है द तो रीजन बाद में देखेंगे हम लोग फिलहाल के इतना ध्यान में रखो कि क्लोरीन हाइड्रोजन की जोड़ी नहीं बनती है क्लोरीन क्लोरीन खुद के साथ कंबाइन होता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन खुद के साथ कंबाइन होता है वो कहानी हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन क्यों नहीं होता है सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे मतलब खुद के खुद के साथ ही कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं सीएल प्लस सी एल क्या होगा सीएल टू और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या होगा एच टू हो गया दैट्स इट मतलब हमारी रिएक्शन इज वेरी सिंपल एन ए सी एल प्लस एच टू गो एच सी एल टू एंड एच टू दैसे नो प्रॉब्लम ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग Okay, so that is chlor. और यहां पर ये यह एन बन रहा है तुमको पता है कि एनएच इज एंड मोर ओवर इट अलकली एक ऐसा बेस की जो पानी के अंदर डिजॉल्व होता है तो इसलिए अल्कली बोलता है अब क्लोरीन तैयार हो गया आपका इसलिए मैंने क्या लिखा क्लोर और आपका अल्कली तैयार हो गया तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको क्लोर अलकली प्रोसेस वाइट इज कॉल्ड क्लोर अलकली प्रोसेस बिकॉज क्लोरिन इज क्रिएटेड एंड यूर एनएच इज ऑल्सो क्रिएटेड हालांकि हाइड्रोजन भी तैयार होता है लेकिन हाइड्रोजन का नाम हमने ऐड नहीं किया उसके अंदर हाइड्रोजन का नाम हमने बिल्कुल ऐड नहीं किया हमने सिर्फ क्लोरीन और आ, हमारे अलकली का नाम ऐड किया रिएक्शन समझ के लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करते हो सोल्यूशन क्लोराइड तो ये कोई भी एक्वियस सूशन नहीं लेना है ये कौन सा लेना है, ब्राइन लेना है। Now, सेम नमक पानी के अंदर इज नथिंग बट ब्राइन तो लेकिन कुछ तो फर्क होगा ना तो फर्क ये है कि ब्राइन के अंदर कैसा रहता है एक्सेसिव सॉल्ट होता है तुम्हारे पानी के अंदर मतलब तुम ऐसा समझ लो सुपर सॉल्यूशन ऑफ NaCl सुपर सॉल्यूशन रहता है ना जिसके अंदर मतलब ज्यादा सॉल्ट रहता है पानी के अंदर दैट इज कॉल्ड एज ब्राइन और यह कहां मिल सकता है सी में As you know, के पानी में एन ज्यादा रहता है पानी के क्वांटिटी में मतलब water, या फिर ऐसा पानी जिसके अंदर है. तो आपको वो लेना है और उसके साथ ही रिएक्शन करवानी है विच डिकोज टू एन एच क्लोरिन एंड हाइड्रोजन एंड द नेम ऑफ द प्रोसेस इज क्लोर अल्कली बिकॉज द प्रोडक्ट स्टैंड फॉर क्लोर फॉर क्लोरीन अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए उसका नाम है वैसा अस ट्राई टू अंडरस्टैंड रिएक्शन होती कैसी है। ये diagram देख लो, diagram. अब problem क्या है? ये क्या आपका जो एन ये है क्या बोलते हैं NaCl uh, है और दूसरा कौन सा है? H2O है। उसमें वो एन तो बन गया ठीक है आपका जो क्लोरिन क्लोरिन कैसा आयन बनाता है सीएल माइनस एज यू नो क्लोरिन कैसा आयन बनाता है सीएल माइनस बनाता है और आपका जो हाइड्रोजन है ड्रोजन कैसा आयन बनाता है पॉजिटिव ओके okay. अब तुम बताओ अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इस कंटेनर में से और सी एल माइनस बन गया हमारे सोल्यूशन में तो ये इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट हो जाएगा कोई ना कोई तो नाउ दिस इज निगेटिव तो वो कौन से इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रोड कौन सा रहता है एनोइ okay. मतलब एनोड के ऊपर कौन जमा हो जाएगा क्लोरीन जमा हो जाएगा एंड हाइड्रोजन बीइंग पॉजिटिव किसके तरफ जाएगा कौन से इलेक्ट्रोड की तरफेटिवेटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता है मतलब इन शॉर्ट इन शॉर्ट वहां पर अंडरलाइन करके रखो क्लोरिन कहां पे जमा होता है क्लोरिन बींग निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है दैट इज अनोड हाइड्रोजन बींग पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है दैट इज कैथोड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ जमा होता है नियर दी कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ जमा होता है नियर दी कैथोड कैथोड के पास में जमा होता है अब ये थोड के पास में क्यों जमा होता है वाई नॉट एनोड द रीजन बींग आपका जो सोडियम uh, हाइड्रोक्साइड है उसमें एनए प्लस बनता है ना वो एनए प्लस और प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ सो सो दैट्स कैथोड के पास जमा होता है वो लेट अस सी द डायग्राम इधर से आपने ब्राइन डाला है दिस इज योर इनपुट ऊपर से इलेक्ट्रोड है तुम देख सकते हो दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव अब तुमको पता है एनोड के ऊपर कौन जमा होता है क्लोरीन ओके okay, तो इधर से देखो क्लोरीन जमा हो रहा है

Uh, जैसे तुम्हारा प्लाज्मा रहता है न, या फिर सेल का तो उसका काम क्या रहता है कोई भी मटेरियल के लिए आपके सेल क्या प्लाज्मा इट अलाउज ओनली सर्टन मटीरियल टू पास थ्रू ये का भी वही काम है वॉट इट डज वो आयन्स को एक्सचेंज होने से बचाता है मतलब देर आर ओनली सर्टन आय विच आर अलाउड

उसका डिटेल्स हम लोग नहीं देख रहे क्योंकि सिलेबस में नहीं है अब यहाँ पर छोटे छोटे नाम ये तो सुना ही होगा क्लोरीन मतलब बहुत सारे बोर्ड पे भी लिखा रहता है स्विमिंग पूल के बाहर की क्लोरीन ट्रीटेड वाटर है वगैरह वगैरह नाउ दिस सी एल टू इज ऑल्सो यूज टू मेक पीवीसी पीवीसी पॉलीविलाईन क्लोराइड तुम्हारे जो वो ये है ना Uh, तुम्हारे घर के जो वायर रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उसके ऊपर जो कोटिंग होती है जिसको तुम प्लास्टिक बोलते हो तो वट इज इज पीवीसी पीवीसी रहता है पीवीसी के पाइप भी रहते हैं बाहर से तुम्हारे बाथरूम के इसके बारे में सुना ही होगा सी एफ सी के बारे में ओजोन वगैरह जिससे ओजोन के होल गिरते हैं uh, फिर, फिर फ्रिज के रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं फ्रिज या फिर एसी में नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड क्लोरीन, तुमको बोला ना मैंने वो पॉइजनस गैस है तो पेस्टिसाइड के भी उसको। Now, hydrogen. Hydrogen know, तुम कितना कनेक्टेड हो न्यूज से लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर काफी फ्यूल के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। uh, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर की बस हाइड्रोजन के ऊपर की कार वगैरह वगैरह नेक्स्ट इज मार्गरेन हाइड्रोजन से मार्गरेन भी बना सकते हैं मार्गरेन क्या रहता है मार्गरेन मतलब चीप बटर रहता है बट But, बटर जो रहता है ना तुम्हारा मार्केट में जो मिलता है उसका चीपर वर्जन इज वो हाइड्रोजन से बनता है नेक्स्ट इज अमोनिया आप हाइड्रोजन uh, से अमोनिया भी बना सकते हो NS3. और वही किसके लिए यूज करते हैं फॉर फर्टिलाइजर के लिए अब एनओच की बात करते हैं यूज होता है सबसे पहला एनओएच मेटल्स अब ये क्या नाटक है मेटल के ऊपर ना ग्रीस चढ़ता है कभी कभी मतलब उसके ऊपर बहुत ही गंदा हम हम खुद ही ग्रीस लगाते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए लेकिन कभी-कभार एक्स्ट्रा लग जाता है कुछ हो जाता है या फिर जमा हो जाता है वहाँ पे उसको अगर आपको रिमूव करना है तो क्या लगाना पड़ेगा उसके कल से डिटर्जेंट के अंदर एनएच रहता है इस्तेमाल होता है एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल फाइबर्स व्यू मीन फाइबर्स अब तुम्हारे लोअर ग्रेड में था ना आर्टिफिशियल मैनमेड फाइबर

किप कर सकते हो बाकी एवरी थिंग ड्रॉन ओके सो लेटमीट समाउट रिगार्डिंग दस क्योंकि पक्का होंगे हाँ। तुम्हारे लिए एक सिंपल मैं चीज बताता हूँ uh, याद रखने के लिए देखो इफ यू आर अ क्लेवर स्टूडेंट या फिर सबलेट से यू आर मोर देन एवरेज तो uh, तुमको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे पास दो गैसेज हैं क्लोरिन एक है एक हाइड्रोजन है

एसी में कौन सा स्मेल आता, आता है चमेली का स्मेल आता है इतना ध्यान में रखना एसी के अंदर किसका स्मेल आता है चमेली का स्मेल आता है तो, तो दैट इज ए फॉर एनोड ए फॉर कैथोड एंड एच फॉर हाइड्रोजन ठीक है तो एसी में से किसका स्मेल आता है चमेली का स्मेल आता तो है तो एसी में चमेली का स्मेल आता है तो दैट इज यू कैन रिमेम्बर बट that is not for all as i told you this might not even be required by more than average students चलिए trick तो मैंने बता दिया अब उसके ऊपर ओके सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज की इसके अंदर हमको एक चीज करना है अभी कैसा है तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बना कॉमन सॉल्ट से बना यू हैव सीन कॉमन सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सही है अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर के ना बारे में नाम तो तुमने आई डोंट नो बट मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट ब्लीचिंग पाउडर बहुत सी बार अपनी मुंसिपालिटीज वगैरह यूज करती हैं पानी को डिसइनफेक्ट करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट के लिए जनरली यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर तो लेट अस सी ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है एंड कंपाउंड uh, कैसे बनाते हैं हम लोग तो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड दैट इज ब्राइन ओके ब्राइन को प्लीज ध्यान में रखो व्हाट इज ब्राइन मतलब सुपर सैचुरेटेड सोलूशन के थ्रू बनाया सोल्ट सोडियम क्लोराइड के थ्रू आपने, आपने बनाया, uh, Na बनाया, बनाया क्लोरिन गैस right? है दैट इज गोइंग टू बी यूज इन अनदर रिएक्शन आप क्लोरीन किसमें मिक्सअप करोगे

आपका ये जो ओ OH है ना यहाँ पे दो ओ है यहाँ पे दो ओ है और दो ऑक्सीजन है राइट ओ OH एच टू टू की वजह से अब इसके अंदर क्या होता है यहाँ का ये जो ऑक्सीजन है ये डिवाइड हो जाता है बिटवीन टू ऑक्सीजन अगेन दिस एच टू एंड ओ क्रिएट एच टू ओ और बाकी का जो भी बचा हुआ है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाता है तो यू कैन सी बचा हुआ कौन है ये 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 क्या फॉर्मूला बनेगा CaO Cl2 मतलब एक उसमें का जो O एंड H ग्रुप है ना तो उसमें खाली हाइड्रो एक पानी निकलता है आपका एक ऑक्सीजन Ca के साथ कंबाइन हो जाता है क्लोरीन दैट्स इट CaO Cl2 आपका बन जाता है ओके एंड व्हाट इज दैट CaCl2 दैट इज योर बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर यही तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है CaO Cl2 एंड उसका नाम क्या है दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको क्या है दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पैराग्राफ में दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं लेकिन नहीं है तो लिख लो ओके okay, उसका नाम लिख लो वहां पे कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लीज राइट डाउन द नेम देयर बुक में नहीं है आई थॉट इट इज देयर बट इट्स नॉट जस्ट प्लीज राइट इट डाउन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड Ca O Cl2 ब्लीचिंग पाउडर डन होने के बाद एक बार रेस हैंड करना फिर इसकी यूजेस देखते हैं देन अगेन फिर तुम्हारा डाउट सेक्शन देखते हैं कुछ नहीं है हर एक केस में प्रिपरेशन में प्रिपरेशन मेथड मेथड है है यूजेस यूजेस इतना ही है, पूरे आ, लास्ट के सेक्शन में तो ब्लीचिंग पाउडर का तो मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कि ये कैसे है डिस करने के लिए यूज करते हैं तो ये पानी के अंदर मिलाया जाता है टू टू फ्री वाटर फ्रॉम जर्म्स अगर उसमें कोई जीव जंतु है जर्म्स है उनको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर हम लोग किसमें डालते हैं पानी के अंदर डालते हैं एंड डों ये जो क्वान्टिटी है ना मतलब वो गिन के डालते हैं मतलब अपने को कुछ होता नहीं है बट दिस इज वेरी डेंजरस फॉर जर्म्स हालांकि अपने लिए वो क्या करते हैं द क्वान्टिटी देस मतलब कम रहती है ऐसा नहीं है कि बहुत डाल रहे हैं तो तुम सोचोगे वो पानी अगर हम भी तो कैसे होगा क्योंकि यहाँ पे तो ड्रिंकिंग वाटर बोल रहे हैं। वैसा नहीं है उसकी क्वान्टिटी एक तो कम डालते हो दूसरी कम कौं, क्वांटिटी कौं, से अपने कुछ होता नहीं है नेक्स्ट इज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज कौन सा एजेंट

आ, मम्मी या फिर आप, आपके घर में अगर यूज कर रहे होंगे ये आ, तो वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन हर एक कपड़ा इससे नहीं धोते ये सिर्फ इसके लिए यूज करते हैं आपके व्हाइट क्लॉथ के लिए जनरली मतलब व्हाइट शर्ट अगर है व्हाइट पैंट है ऐसा कुछ है तो उसके लिए स्पेशली ब्लीचिंग पाउडर का सेपरेट इस्तेमाल किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द यूज मतलब तुमको तुम्हारे लिए सपोज मान लो तुम्हारा यूनिफॉर्म है व्हाइट कलर का तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी वॉश विद ब्लीचिंग पाउडर सो दैट इट विल रिमेन व्हाइट इट सेल्फ लेकिन ब्लीचिंग पाउडर बहुत खतरनाक है अगर कलर्ड तुम्हारे कपड़े होंगे और उसके साथ अगर आप यूज कर रहे हो ब्लीचिंग पाउडर कलर उड़ जाता है उसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर का, का काम क्या है कलर को गायब करना दैट्स इट ओके सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री टेक्सटाइल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं तुमको तो बोला ना, मैंने कपड़ों का कलर निकालता है तो इसलिए वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प वुड पल्प को भी ब्लीच करता है Wood pulp क्यों करने की जरूरत है तुम्हारा पेपर व्हाइट रहता है ना जिसमें तुम notebook register में लिखते हो पूरा रहता है इतना white कहां से आता को ब्लीच करने के लिए तो ये कौन से कपड़े की बात कर रहे हैं व्हाइट कपड़ों की कलर कपड़े कौन व्हाइट करेगा जो पहले से व्हाइट है अब तुम सोचोगे उसको और व्हाइट करने की क्या जरूरत है वैसा नहीं है जब तुम व्हाइट कपड़े इस्तेमाल करते हो ना तो गंदे हो जाते हैं धूल लगती है कुछ डाक लग जाता है वट या फिर उसका एक एक लेयर ही चढ़ता है उसके ऊपर मतलब ओरिजिनल अगर कपड़ा देखे तो व्हाइट दिखता है एंड uh, तुमने दो तीन महीने जो यूज किया है व्हाइट कपड़ा तो इट लुक्स थोड़ा सा ऐसा धूल uh, में पड़े वाला लगता है या थोड़ा सा येल्लोइ लगता है कि लग थोड़ा थोड़ा ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ बहुत थोड़ा एक लेयर आ जाता है अगर आप उसको सफेदी की चमकार चाहिए आपको तो वॉट यूर टू डू इज ब्लीचिंग पाउडर के साथ आप उसको धोना है इट तो तीन यूजेस देख लो जर्म से वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने बोलने के लिए यूज करने के लिए या फिर ब्लीचिंग एजेंट बोल के आप उसको यूज कर सकते हैं तो तीनों चीजें पहला तो बहुत ही सिंपल है उसके नाम नहीं है ब्लीचिंग ब्लीचिंग के लिए दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके फॉर्मूले में है और तीसरा क्या जर्म्स को फ्री करने के लिए अपने ड्रिंकिंग वाटर को तो लेट अस सी इसमें का कोई इशू कोई प्रॉब्लम तुमको सवाल समझ में नहीं आ रहा है उट दमने uh, okay. एक उसमें का केमिकल कर लिया है ब्ली पाउडर राइट अब ब्लीचिंग पाउडर जो हमने बनाया है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर हमने कॉमन सॉल्ट से ही बनाया है इनडायरेक्टली ऑब्वियसली एनएससीएल से पहले हमने क्लोरिन गैस मिली उसी क्लोरिन गैस से हमको सी ए सी एल टू मिला मतलब इनडायरेक्टली मिला है सॉल्ट से इनडायरेक्ट मिलता है हमारा उडर अब हम लोग क्या करेंगे एक नया केमिकल uh, देखेंगे एक नया सॉल्ट देखेंगे जिसका नाम है okay. कॉमन नेम um, तो है बेकिंग सोडा इज अ कॉमन नेम ये किसके लिए यूज करते हैं इट इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोराज तो पकौड़ा जैसे वो इंग्लिश में पकोराज बोलते हैं अपने इसमें पकौड़े बोलते हैं और, और एक चीज है पकौड़े बोले तो भजिए रहते तुम्हारे घर के नॉर्थ इंडिया में जनरली भजे नहीं बोलते वो भजिए अपने महाराष्ट्र या फिर सदर्न साइड में बोलते हैं नॉर्दर्न साइड में पकोड़ा बोलते हैं उसको अपने यहाँ पे भजिए बोलते हैं उसको तो बेकिंग सोडा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं भजिए बनाने के लिए नाउ समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग और वो कभी कभार कई के, के लिए डालते हैं फास्ट कुक करने के लिए भी द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये उसका केमिकल नेम है

हाइड्रोजन कार्बोनेट का और एक नाम है ना बाबोनेट तो बायकार्बोनेट लिख दो इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल तो एल से ही बनाते हैं लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन रिएक्शन अभी ये इतनी बेकार है तुमको क्या बोलना uh, तुमको ये याद है uh, अपने uh, जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है उसमें तुमने क्या क्या लिया था यू टुक एनएसएल यू टुक वाटर यू क्रिएटेड एन ए

CO2 डालना CO2 डालना कहको तो सीओ टू इसलिए डालना क्योंकि तुमको जो बेकिंग सोडा बनाना है उसका फॉर्मूला क्या है एन ए एच सीओ थ्री सही है तो यू कैन सी हियर कि आपका फॉर्मूले के अंदर सीओ थ्री ग्रुप होना चाहिए मतलब कार्बोनेट कार्बोनेट बनाने के लिए कौन सी गैस लगेगी सीओ टू इसलिए हम क्या कर रहे हैं सीओ टू डाल रहे हैं उसके अंदर तो वाई सीओ टू इज बी एडेड बिकॉज वी वॉन्ट कार्बोनेट ग्रुप एट दी एंड एंड उसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम लोग फिर से अमोनिया गैस अब मेन क्वेश्चन अगेन अमोनिया गैस क्यों डाल रहे हैं ठीक है देखो अमोनिया गैस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्लोरीन उधर निकल रहा है, है? है? हाइड्रोजन काम्बाइंड हमारा जो अमोनिया है दैट इज बी एडेड सो दैट ये जो सी है एक तो पहली चीज वो किसी कंपाउंड के साथ कंबाइंड रहे एंड द अनदर थिंग इज दैट वी वॉन्ट टू हैव अवर हाइड्रोजन इन दी कार्बोनेट ग्रुप यहाँ पे इशू क्या है अगर आप एन थ्री नहीं लेते हो सब लेट यू आर नॉट टेकिंग एन थ्री तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एस आपका हाइड्रोजन सेपरेट निकल जाएगा एंड इंस्टेड ऑफ क्रिएट क्रिएशन ऑफ लफ्स लेट्स से एन आपका एन थ्री की जगह पे क्या बन जाएगा एन बन जाएगा विच वी डोंट वॉन्ट ठीक है तो एन uh, हमको नहीं चाहिए वी वॉन्ट एन तो इसको याद कैसे रखना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखो मैकेनिज्म कुछ है नहीं इसका वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाइस सीओ टू एंड एन थ्री आर बींग एडेड तो वट यू कैन डू इज ओ टू को तो बता दिया मैंने एनएस थ्री का ये बताया कि भाई आपका अगर वो एन थ्री नहीं डालते हो तो बेसिक आपका क्या बनेगा लास्ट में NaOH बनेगा दैट विल नेवर गेट कम्बाइंड नाउ लेट लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिमेंबर दिस एनएसएल तो लेना है एस टी ओ तो लेना है ये तो आपके क्लोरल क्ली के हैं ये क्लोर अल्कली के रिएक्टेंट्स हैं, उसके अंदर सीओ टू को डालना है एन ए एच सी थ्री वो लिख दो पहले आप लिख दिए अब उसके बाद सॉल्ट बन रहा है आपका वो सॉल्ट कौन है एन एच फोर सी एल ठीक है यहां से आम, आपके अमोनिया के साथ कौन सा सॉल्ट बनता है एनएच फोर सी एल बनता है That's it. Ammonium chloride salt, sodium hydrogen carbonate io, baking soda. ठीक okay, है. Now let us try to understand what happens next. उसके बाद क्या होता है? Did you check the pH of sodium hydrogen carbonate in activity 2.14? चलो इसका pH बताओ मुझे. NaHCO3 कौन से एसिड से बनेगा? कौन से बेस से बनेगा ये? NaOH से. और ये इससे कौन सा एसिड बनता है? H2CO3. If you remember, this is weak acid. कार्बनिक एसिड है ये एंड एन एच स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच क्या होगा ग्रेटर देन सेवन और बेसिक होगा एग्रीड पीएच सात से बड़ा होगा बेसिक होगा ये ठीक है तो दैट वी नो नाउ कैन यू कोरिलेट रिलेट वाइट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड एसिड के न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों यूज करते हैं तुमको बोला था ना वो एंटासिड बोल के मतलब तुम, तुम, तुमको अगर एसिडिटी वगैरह हो रही है तो तुमने क्या करना चाहिए या फिर तुम्हारे हाथ के ऊपर अगर एसिड गिर गया तो हाथ धो के किसको लगाना चाहिए तो दैट इज वॉट देर टॉकिंग अबाउट आप बेकिंग सोडा को लगा दो बिकॉज इट इज बेसिक तो इट विल हेल्प यू टू डिस्ट्रॉय योर एसिड एसिडिटी के दौरान या फिर अगर हाथ के ऊपर अगर एसिड गिरता है तो उसको धोने के लिए आप यूज कर सकते हैं सो so, ये हो गया जस्ट आंसर

कौन 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 सी कौन सी चीजें बनती है? Na2CO3, CO2. That is what is created. और ये कौन है? ये washing soda. ये कौन है? Washing soda. Okay, है। है? है। ठीक सबसे पहला इसमें क्या हो जाता है जा जब आप हीट करते हो ना उसमें का चला जाता है दिस हाइड्रोजन इज रिलीज सो बिकॉज ऑफ दैट Na2CO3. हाइड्रोजन गायब हो गया आपका So because of that, अभी दो सोडियम लगेंगे तो एन टू थ्री आपका जो हाइड्रोजन निकला है आपका उसमें से CO3 थ्री भी आपका डिवाइड होता है तो बिकॉज ऑफ दैट CO2 गैस इज क्रिएटेड CO3 थ्री से एंड द थर्ड थिंग दैट इज क्रिएटेड इज वाटर आपका ऑक्सीजन भी उसमें से डिवाइड होता है दैट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्रिएट्स वाटर सबसे पहला ये इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है मतलब यू नो इवन इफ यू वांट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि ये चीजें प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं क्या क्या बन सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हिट करने के बाद क्या क्या बनता है एंड वॉट इज सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा कौन है वो वो वॉशिंग सोडा है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी उसके जो यूजेस हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के वो समझ के लेते हैं लेकिन बिफोर दैट लेट मी आस्क यू समथिंग अबाउट दिस ओके सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं लेट मी जस्ट टेल यू देखो आ, हमारे पास आ, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे ठीक है मिनट अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास अगर आप क्लास के लिए हैं, तो ये दो सब्सक्रिप्शन देखो दिस इज फॉर प्लस प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है ये प्लस का है ये साइड और ये आइकॉनिक का है मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन का प्लस के रेट्स क्लास नाइन के आइकॉनिक के रेट्स क्लास के प्लस के रेट्स एंड क्लास के आइकॉनिक के रेट ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है इट समथिंग लाइक दिस अब जितना बड़ा लोगे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तेरह महीने का कितना आ रहा है सपोज सबोल से छह महीने का आपको दस हजार पड़ रहा है राइट बारह महीने का देख लो कितना आ रहा है

Uh, if you apply for 48 uh, वैसे ही आइकॉनिक अगर आप फोर्टी एट मंथ्स का लेना चाहते हो तो फोर्टी एट मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है एटी थ्री थाउजेंड अब एटी थ्री थाउजेंड इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपेरिजन में क्योंकि इसके फीचर्स वैसे है ना आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है इंडिविजुअल सपोर्ट है थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट है सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कपैसिटी इधर यू कैन गो फॉर फोर्टी एट मंथ फोर्टी थाउजेंड या फिर फोर्टी एट मंथ एटी थ्री थाउजेंड आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर फोर्टी एट मंथ प्लस और इधर फोर्टीनिक तो फोर्टी थाउजेंड या फिर थाउजेंड अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं आप छत्तीस महीने का ले सकते हैं छत्तीस मतलब तीन साल हो जाते हैं दैट इज महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज थर्टी टू थाउजेंड कितना है

क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे मैं अगेन बोल रहा हूँ उतना आपको सस्ता गिरेगा एंड ऊपर से क्या करना पड़ता है ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है अब कौन सा कोड तो आप कोड का आप ये कोड ध्यान में रखना दैट इज एस लाइफ टेन अजिंक्य सोलों के एल आई वीई वन जीरो अब ये कोड पे लिखना है आपको देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए आइकॉनिक चाहिए राइट right? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया ठीक है आइकॉनिक ले लिया और फोर्टी एट मंथ्स का आप ले रहे हो तो फोर्टी क्या करना है आइकॉनिक लेना नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा ठीक है मतलब डू हैव अ कोड वगैरह पूछा आपको इसको टैप करना है सबसे पहले आइकॉनिक को कर लिया दैट इज फर्स्ट स्टेप स्टेप क्या है इस कोड को आप, कर कर आप, आप, को आप जैसे करते हैं ना आपकी जो अमाउंट जो है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर वो टेन परसेंट कम होकर आपको दिखाई जाएगी ठीक है तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है तो यहाँ पर कोड लिख देना है ए एस लाइफ टेन अजिंक्य सोन के एल आई वी वन जीरो A -S -L -I -V -E और उसमें space नहीं देना है 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 ठीक में लिखना आपके कोड पे टैप कर दो ये कोड लिख दो आप उसको डन कर दो तो इमीडिएटली आपका टेन परसेंट कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी फिर आप प्लान को ले लो फोर्टी एट मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स मतलब लाइक like पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट uh, में कर सकते हो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ई एम आई की जैसे तो uh, आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं ठीक है सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं दैट्स अप टू यू आपको कैसे पे करना है बट uh, बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, कोड right? कोड so uh, को नहीं भूलना uh, कि आपको कौन सा यूज करना है ए एस लाइफ टेन टेन परसेंट डिस्काउंट टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है uh, uh, के -E -10. तो टेन परसेंट डिस्काउंट जरूर ले लें सस्ता बना दे अपने प्लान को ऑल योर टू डो इज यूज दिस कोड ठीक है तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके राइट right? सो so, वीडियो को लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है बेल आइकन जरूर दबाना है उतना तो काम कर ही देना ठीक है चलिए देन ओके okay. तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड दिस इज आवर बेसिक प्लान और आइकॉनिक मतलब क्या है तुम ऐसे समझ सकते हो प्लस का एडवांस so, क्या है आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर एजाइन किया जाता है दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं दैट स्टार तो आपके ऊपर है राइट दिस इज वन ऑफ और बेसिक प्लांट एंड इसको आइकोनिक हम लोग क्या बोलते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट तो दिस इज थ्री डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से एक मिनट भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी प्लस so, में क्या क्या फीचर मिलेंगे देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज से मिल जाएगा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ मैथ्स के लिए ये ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना कोई जरूरत नहीं है हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे सेकंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे तो जिसकी वजह से आप आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है आपको नहीं आ रही है तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट uh, कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूअर लेट से जो भी प्रॉब्लम है कोई टॉपिक्स है समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरलीट से uh, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा with, uh, let us say, uh, the, teachers of the plus सब्सक्रिप्शन अब बात करते हैं live and quizzes. देखो कैसा है ना पढ़ाने का तरीका अलग होता है देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर आई एम सींग एजुकेटर्स क्यों इसका फायदा क्या है देखो कैसा होता है जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है राइट साइंस के लिए एक टीचर मैथ्स के लिए एक टीचर तो इसमें वैसा नहीं है इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा तो आप क्या कर सकते हैं आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर क्योंकि हर एक का टीचिंग अच्छा, मतलब लाइक यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके राइट नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का कि वो दे try their best to teach like in their own way. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो मतलब एक मेथड क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक अदर टीचर की हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का इट माइट हैपन तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स है मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स है अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग

Uh, अब पढ़ाई जब हो जाती है मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट मतलब uh, जब तक आप उसको याद करके आप ये उसके टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है सो दैट्स अ प्रॉब्लम सो वी हैव लाइव टेस्ट लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है हमारे पास क्विजेस भी हैं मतलब लाइक एक कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ आपको आपको टाइम पीरियड दिया जाता है उसमें आपको अगर अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट भी ऑफर किया जाता है तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं उसका टाइम टेबल यू कैन गो, गो इन टू क्विज सेक्शन आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट ठीक है आप इसको चेक कर सकते हो किसको लेट्स uh, से जो क्विज है डेली बेसिस पे पे कि भाई कौन 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 सा uh, कौन सा uh, क्विज है सा है 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 सपोज उसमें से से टॉपिक के ऊपर टाइम कितने क्वेश्चंस लेसन है सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं आप जितने आपके हिसाब से इट्स नॉट कम्पल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ क्विज लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं नाउ लेटस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स इसके लिए जाते हैं देखो स्ट्रक्चर्ड एंड का फायदा क्या है कि आपको आ, मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक तो वो कैसा रहेगा स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टन सिलेबस एक पर्टन लेट से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं ऐसा नहीं है दर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है आपको पढ़ाया जाता है तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्स स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस हैं ये पूरे एंड ऑल्सो यू गेट द दीडीएफ आपको इसके पीडीएफ भी मिलते हैं दैट इज अनदर फायदा इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं

ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही हैं लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर एक्स्ट्रा सबसे पहला क्या पर्सनल मेंटर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है देखो कैसा होता है ना मेनियर टाइम्स यू डो नॉट अंडरस्टैंड वॉट टू स्टडी या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता राइट right? मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द योर क्लास क्लास एक पूरा जो, पूरा जो आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोरिक चाहिए राइट इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर

और सपोज लेट से आप उनको डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता रहता है है डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा मे बी थ्री मे बी सपोज लेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे ऐसा कुछ लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये ये डाउट है सबोलेट से सॉल्व कर लो तो ये वाला जो सेशन uh, है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है ठीक है एक पर्टिकुलर टाइम आप उसके अंदर आ, आपके टीचर uh, को आप सबोलेट से डाउट पूछ सकते हैं ठीक है एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स एक डेडिकेटेड टाइम उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम अब ये क्या रहता है देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज़ यू आपके जो पेरेंट्स है आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं अगर कोई इश्यूज हैं कुछ प्रॉब्लम्स है आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है कुछ इश्यूज आ रही है क्या अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई uh, उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे राइट right? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है आप सब से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो तो मतलब एक होना चाहिए exactly प्रोवाइड किए जाते हैं आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स विच इज विच इज अकॉर्डिंग टू मी ग्रेटेस्ट एसेट यू कैन हैव इन यूर एंटायर प्रिपरेशन बिकॉज विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन सिलेबस कंप्लीशन इज आपका एक

हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे uh, क्या प्रकार की टेस्ट है क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या है टॉपिक्स क्या है और उसके रिवॉर्ड क्या है सो so, ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज इजेडमीज एमर्ज एग्जाम ठीक है एग्जाम का नाम क्या है एमर्ज तो इट इज इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है एंड दिस इज फॉर क्लास सिक्स टू ट्व तक है ये सिक्स टू तक की एग्जाम है एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है इसका जो डेट है और टाइम है वो है डेट है ट्वेंटी जून बीस जून को होगी एग्जाम जेट से बारह बजे लेट से दोपहर के बारह बजे से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी तो ये एग्जाम ध्यान में रखें डेट इज ट्वेंटी जून ट्वेल्व पी एम दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट और इसमें सिक्स टू तो ट्वेल्थ तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें

और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें ठीक है सो so दैट आपका सपोज से जो आ, ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है तीस क्वेश्चन है साठ मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं दैट इज मैकबुक तो ये चीज जरूर अप्लाई करें द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ठीक है डिस्क्रिप्शन ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो उसको आप क्लिक करें एनरोल करें और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम कौन से क्लास के लिए है फॉर सिक्स टू ट्वेल्थ अगर आप सिक्स टू ट्वेल्थ के बीच में हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं टेस्ट का डेट है ट्वेंटी जून टाइम है बारह बजे और इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें सो थैंक यू सो मच ओके तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि व्हेनेवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन एन एकेडमी आप आप लेट से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म लेकिन सभी हमारे जो आ, ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर टेन परसेंट डिस्काउंट अवेलेबल है ठीक है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस टेन परसेंट डिस्काउंट जरूर ले लें बिकॉज ये कैसा है ना आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा नाउ फॉर टेन परसेंट ऑफ टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है ये दोनों पे अवेलेबल है दिस इज अवेलेबल ऑन एन एकेडमी प्लस ऑल्सो एंड दिस इज अवेलेबल ऑन एकेडमी आइकोनिक्सक्रिप्शन ऑल्सो ऑल यू टू डू

मतलब लाइक यू नो टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली मतलब आपने कोड लिखा ना इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है चार्जेस है वो टेन परसेंट कट करके आपको दिया जाएगा टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ फिर आप पेमेंट कर सकते हैं ठीक है सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर आपको क्या करना है सिर्फ ए एस लाइव टेन कोड का इस्तेमाल करना है कंटिन्यूएशन में लिखना है नो no स्पेस कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है मतलब ए स्पेस एस स्पेस ऐसा नहीं कंटिन्यूएशन में ए एस एल आई वी वन लिखना है ये कोड को और आपको टेन परसेंट डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं सस्ता बना सकते हैं राइट अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड दी ऐप नाउ आपको खाली क्या करना है आप गूगल अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप जेट से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका एप्पल वाला है आईओ आप यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन दी ऐप स्टोर आप एप स्टोर पे भी जा सकते हो दैट मीन जो इसका स्टोर है एप्पल uh, का तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉड ठीक है एंड्रॉइड का अगर है आपके पास और अगर एप्पल आपके तो यू कैन डाउनलोड अन अनडमीकेशन लेट फ्रॉम ऐप स्टोर सो इसके अंदर कैसा है अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग आप क्या कर सकते हो जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया तो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया राइट right? लेकिन आप एक काम कर सकते हो जस्ट टू सी द फीचर्स आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे अवलेट आप, से आपके मोबाइल uh, में तो आप उसको uh, वो आपको कोड पूछेगा मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री यू कैन डू वन थिंग ए एस लाइव टेन का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले दैट इज योर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड तो आप कोड लिख दो ए एस एल आई वीई वन जीरो और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है यू कैन चेक द फीचर्स आप फीचर चेक कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट राइट ओके okay, तो इतना इतना चीज कर लो ठीक है पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है फिर उसके अंदर कोड लिखना है एस लाइव टेन और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से कौन से फीचर्स हैं आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह सो so, ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में okay. सो so, uh, कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे देखो तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं मतलब फॉर uh, तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए वॉट फी डुअस कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंट्रैक्शन के लिए देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज को कंप्लीट करने वाले हैं इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसनस हैं या फिर आपके जो कोर्सेस हैं आप जिसको अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो यहां पर हमारे दो बैचेस हैं मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है कम्पलीट हो जाएगा तो देखो हार्डली कितने महीने वो जून जुलाई अगस्त मतलब तीन महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स तो ये आपके बहुत फायदे का है क्योंकि इससे क्या हो जाएगा आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा मतलब आप अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो तो हर एक वनडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी आपका कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है कुछ प्रॉब्लम है आप उस पर्टिकुलर लेट से लेसन में आप उसको से सॉल्व करवा के ले सकते हो सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ पर हमारे तीन बैचेस हैं तीन बैचेस के बारे में थोड़े से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास टेंथ ये मिशन हाफ ईयरली बैच है तो हाफ ईयरली बैच है ये और ये सात जून को शुरू होगी और ये थर्टी अगस्त तक चलेगी ठीक है सात जून से मिशन हाफ हाँ आपका स्कूल में हाफ ईयरलीस एस टी मैथ्स एंड इंग्लिश टीचर देख लो सोशल साइंस जो पढ़ा रही है वो रश्मि मैडम है जो सबोल से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं एजुकेटर्स और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं टीचर्स हैं इसके आप क्या कर सकते हो जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कैसा है हर एक का लर्निंग कैपेसिटी uh, अलग होता है मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोलेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है ऐसा एजुकेटर ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोलेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं उनके प्रोफाइल को और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं वैसे ही क्लास नाइन्थ के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास नाइन्थ के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है लेट्स सोल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीआर टी एक्सरसाइजेस एनसीआरसाइज सोल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है तो इसमें जो मैथ्स है तो वो दो टीचर पढ़ा रहे हैं एक विनय सर है और एक शिवम सर है और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही है और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाई सपना मैडम एंड uh, मयांक सर

तो ये सात जून से शुरू होगी और सात जुलाई को खत्म होगी इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर है और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार रिवाइज जिस शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है द फर्स्ट बैच मिशन हाफ ईयरली एस एस टी मैथ साइंस इंग्लिश एंड ये होगा सात जून से लेके थर्टी फर्स्ट अगस्त तक

आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी सो so, सेवन जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे